अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन कमल्स वर्ल्ड कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह तो गाइस बिफोर आई स्टार्ट मेरे नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल बेलाइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें मेरे चैनल पर uh, मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू सो मच तो गाइस आज मैं हादिया की फरमाइश पूरी कर रही हूँ वो मुझे दो तीन दिन से बोल रही है कि मम्मा मुझे सब कैटी खानी है और मैं अपने कामों में आ, मेरे माइंड से निकल जाता था तो आज उसने फिर मुझे बोला तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसके लिए बना लूँ बाद में दूसरे काम ख़त्म कर लूँगी तो ये इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये हुफ़ा भी इंजॉय करता है और ये दोनों बहुत ख़ुशी से बैठ के आराम से खा लेते हैं नखरे किए बग़ैर और इसमें जब हम मीट वग़ैरह डालते हैं वैसे तो सालन वगैरह वो नहीं लाइक करते तो अगर मैं इसमें बोनलेस वग़ैरह ऐड करूँ या जैसे कि आज मैंने कीमा ऐड किया है तो वो खा लेते हैं और इसमें स्पाइसिस भी बहुत कम हैं क्योंकि बच्चे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लाइक भी नहीं करते ये कोई बहुत सुपर शेफ़ के तरीके से नहीं बना रही मैं बहुत ही प्लेन सादा सा तरीका है मैंने जो जिससे मैं ये बनाती हूँ लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ अगर आपने अपने बच्चों के लिए आ, बनाना है तो ऐसे बनाएं जल्दी बन जाती है बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है आ, थोड़ा सा टाइम लगता है और बच्चे इन्जॉय भी करते हैं तो मैंने सब कैटी जो है वो पहले से बॉईल करके रख ली है अभी मैं उसका आ, मसाला ऐड इधर बना रही हूँ कॉर्न भी लाइक करते हैं तो मैंने वो ऐड कर लिया उसमें कीमा और स्वीट कॉर्न Uh, इसमें मैंने जस्ट डाला है नमक और uh, ब्लैक पेपर और uh, इसके अलावा और कोई स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए uh, और uh, अभी मैं uh, इसमें ऐड करने लगी हूँ uh, कैटी का वो जो सॉस होता है उसके साथ तो टेस्ट बहुत अच्छी आती है तो मैं ये भी ऐड करने लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें टमाटो केचप ऐड करें तो वो भी कर सकते हैं आ, लेकिन मैं नहीं करी क्योंकि हादिया जो है वो उसको लाइक नहीं करती तो मैं इसमें वो नहीं ऐड करी जी तो देखें मेरा मसाला जो है कैसे आ, थिक हो गया है अभी मैं इसमें अपनी सब कैथी ऐड कर लेती हूँ और आ, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ये मैंने पहले से ही पानी वगैरह निकाल के रखा हुआ था और बस मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से सारा मसाला जो है वो इसमें मिक्स कर लूँगी और मेरी सब कैटी जो है तकरीबन रेडी है इसको मिक्स करने के बाद मैं बस दो तीन मिनट के लिए और ऊपर रहने दूँगी गैस पे ताकि अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है जी तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक मेरे सब कैटी रेडी है मैंने हादिया के लिए निकाल के रख ली है अभी मैं उसको आ, ये फीड करूँगी और उसके साथ उसके छोटे भाई को बिठाऊँगी ताकि वो उसको देख के वो भी इसको खा ले आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एम श्योर sure कि आपके बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे इसको और क्योंकि इसमें स्पाइसेस भी नहीं है ज़्यादा और उनको एक मजे की चीज़ भी मिल जाएगी और उसमें कीमा और स्वीट कॉर्न वगैरह भी है तो वो भी खा लेंगे ख़ुशी खुशी, खुशी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टे सेफ मुझे दुआओं में याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़